रसूल की इताअत कुल्ली और शदीद मोहब्बत मिलकर क्या बनेगी? इत्तेबा। और इत्तेबा का दर्जा क्या है? قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तेबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। अब आप सोचिए, अगर हम कारोबार कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कोई शख्स 100% दयानतदारी से काम कर रहा है, कोई शख्स सूद के अंदर बराह रास्त मुलविस नहीं है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन यह इत्तेबा नहीं कर रहा जो हुजूर ने जो काम किया था कि गलत निजाम, तागूती निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए और अल्लाह का दिया हुआ दीन हक कायम किया जाए, तो इत्तेबा में क्या हिस्सा है इसका? कोई नहीं। एक सवाल आपसे करता हूं, हुजूर ने वही के आगाज के बाद कोई कारोबार किया? जी, आप पहले बहुत अच्छे ताजिर थे, बहुत कामयाब ताजिर थे, उस वक्त का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, काफला लेकर जा रहे हैं शाम, काफला वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वही आ गई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानजिर वरब्बका फकब्बिर, ऐ लिहाफ में लिपट कर लेटने वाले अब खड़े हो जाओ, कमर कस लो, गर्ड अप योर लॉइंस, अपने मिशन का आगाज करो। उसका आगाज क्या है? इंतजार, खबरदार करो इन्हें कि जिंदगी यही जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी, और कयामत के दिन तुम्हें हिसाब जो है अपना पेश करना होगा, जवाबदेही करनी होगी। यू विल हैव टू फेस द ग्रैंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ये इंजार से बात शुरू करो, वरब्बका फकब्बिर, और जो हदफ है मकसूद क्या, अल्लाह को बड़ा करो, यानी उसकी बड़ाई नाफिज करो। पार्लियामेंट में भी उसका हर्फ आखिरी हो, लितकुना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे ऊंचा हो। ये नहीं कि साहब हमारे तो 60% लोगों ने ये राय दे दी है, बस अब हम नहीं जानते कि कुरान में क्या है या किसी और आसमानी हिदायत में क्या है, तौरात में क्या है, इंजील में क्या, हम नहीं जानते। अगर हम उसके खिलाफ जिद्दोजहद नहीं करते तो इत्तेबा में कोई हिस्सा नहीं। जो इताअत थोड़ी बहुत हम कर रहे हैं वो भी जुज़वी है, कुल्ली नहीं है, इसीलिए दुनिया की रुसवाई वो तो हमारे माथे पर लिखी हुई, ज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, आज हमारा हाल ये है। तो इत्तेबाए रसूल, मोहब्बत रसूल का तकाजा, वही जिद्दोजहद करो, वही जिद्दोजहद करो, इसी का नाम जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बदकिस्मती से खुद हमने गलत इंटरप्रिटेशन जिहाद की है, जिसकी वजह से दुश्मनों को मौका मिला। जिहाद के मानी जंग, हालांकि जिहाद के मानी तो जंग नहीं है, जिहाद जिद्दोजहद का नाम है, कोशिश, जोहद, जोहद के मुकाबले में आएगी तो वो जिहाद है, जोहद एक तरफा है तो जोहद है, और दो तरफा हो रही है, रस्सा जो है आप इधर खींच रहे हैं वो उधर खींच रहे हैं, ये जिहाद है। आप तौहीद का परचम उठाए हुए हैं, तौहीद फैला रहे हैं, वो शिर्क फैला रहे हैं, ये जिहाद है। कोई मगरबी डेमोक्रेसी चाहता है, कोई सोशलिस्ट डेमोक्रेसी चाहता है, उनके दरमियान रस्साकशी होगी कि नहीं होगी, ये जिहाद है। किताल तो जिहाद की 9 मंजिला इमारत में जाकर 9वें मंजिल पर किताल फी सबीलिल्लाह, और ये दोनों कुरान की इस्तिलाहात हैं। हमने जिहाद को भी जंग बना दिया, तो फिर तो अब हर शख्स को कुरान में जंग ही जंग नजर आएगी, जहां जिहाद का लफ्ज आया जंग, जहां जिहाद का लफ्ज आया जंग, इसी से तो उनको मौका मिल गया। ऐ नबी, आप इन काफिरों की बातें ना सुने, ना इनके बातों में आए, चाहे वो साफ इनकार कर रहे हैं और चाहे वो कोई मुसालिहत चाहते हैं, मोहम्मद कुछ नरमी दिखाओ, कुछ हमारी मानो, कुछ अपनी मनवा लो। ये तुमने जो किलकिल पैदा कर दी है, घर घर लड़ाई हो रही है, औलाद माँ बाप से जुदा हो गई, बहन भाई से जुदा हो गया, शौहर बीवी से जुदा, बीवी शौहर से जुदा, जो कहते हैं कि ए हाउस डिवाइडेड अमंगस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, हमारा तो तुमने कबायली जो हमारा रोब था वो खत्म कर दिया दुनिया में। लिहाजा ऐसा करो, कुछ मुसालिहत करो, कुछ अपनी मनवा लो, कुछ हमारी मान। कुरान ने कहा वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून फला तुतिल मुकज्जबीन, इनकी बात ना सुनिए। तो जिहाद था जो हो रहा था, जिसके लिए मैंने रात तकरीर की है, जिहाद बिल कुरान फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। यह सूरह अल फुरकान की आयत है नंबर 52, और शुरू कैसे होती है सूरह अल फुरकान?
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल-फुरकान नाजिल कर दिया ताकि तमाम जहान वालों को खबरदार कर दे, इंसार और वो पूरी नौ इंसानी के लिए इंसार। उसी में आगे आता है उसी सूरत में फला तो तुतिल काफिरीन, ए नबी आप इन काफिरों की बातें ना माने ना सुने ना तवज्जो दे, वजाहिदहुम बिही, इस कुरान के जरिए से जिहाद कीजिए। 12 बरस मक्के में कुरान के जरिए से जिहाद हुआ, तलवार तो नहीं उठी, उल्टा हुक्म यह था कि चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दे चाहे तुम्हें आग में जला दे, यू डोंट हैव टू रेज हैंड्स इवन इन सेल्फ डिफेंस, कुफू है दिया कुम, अपने हाथ बंधे रखो रोके रखो, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। 12 बरस दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये जिहाद बिल कुरान, इस जिहाद बिल कुरान के जरिए से लोगों को खींचा गया, फिर बैठ लेकर उनसे उनको मुनज्जम जमात बनाया गया, फिर उनका तज़किया किया गया। तज़किया किस बात का? दिल में कोई वलवला कोई उमंग कोई हौसला कोई तलब कोई मकसूद न रह जाए सिवाय अल्लाह की रजा के हुसूल के और आखिरत की फलाह के हुसूल के। जब तक पाक नहीं हो जाएगा दिल, जब तक दिल से सारी उमंगें सारी एंबिशन नहीं निकल जाएंगी सिवाय अल्लाह को राजी करना और आखिरत की फलाह तलब करना, यह है तज़किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अगर इस नक्शे कदम पर आप नहीं चल रहे तो हुजूर के साथ मोहब्बत का दावा बातिल है। आप मुसलमान हैं ठीक है, आप मानते हैं उन्हें अल्लाह का रसूल,